विधानसभा चुनाव के पांचवें चरण के मतदान से पूर्व चुनाव प्रचार के आखिरी दिन गोंडा की गौरा विधानसभा सीट पर बसपा प्रत्याशी निगार उस्मानी ने अपने क्षेत्र में डोर टू डोर जाकर जनता से उनका हाल जाना और वोट की अपील करते हुए लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ पार्टी कार्यकर्ता और क्षेत्र की महिलाओं ने भी अपना सहयोग दिया। साथ ही निगार उस्मानी, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद के नारे भी लगाए। अपने क्षेत्र में निकले हुए हैं और विकास करने आए हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान करने आए हैं। हमारी कोशिश यही है कि सबके काम आए दुख सुख में, सबके साथ ईमानदारी से सच्ची श्रद्धा से काम करें, अगर लोग हमारा हाथ मजबूत करते हैं तो। क्या माहौल लग रहा है जी? अब माहौल तो आप देख रहे हैं, हमारी पार्टी का जो वोट है दलित समाज का, वो तो हमारे साथ पूरी निष्ठा के साथ लगा हुआ है। थोड़ा बहुत सर्व समाज का भी मिल रहा है। अब हमारी बिरादरी, जैसा कि लोग कहते हैं कि हमारी बिरादरी के यहाँ बहुत से लोग हैं, अगर इन लोगों का हाथ हमारे सर पर हुआ, इन्होंने हमें समझा, कुछ अपनी बहन या अपनी बेटी मुझे समझा, अगर इन लोग जो है हमारा मान रखते हैं, अपनी इज्जत को बचाते हैं, तो वो हमें वोट करें और अपना अपनी दुआएँ दें, अपना आशीर्वाद दें, तो ज़रूर लीड करेंगे। बस इन्हीं लोगों के ऊपर मेरा सारा जो है लगा हुआ है कि इन लोग हमारी मदद करें। आप आशीर्वाद दीजिए हमें, आप लोग सब सपोर्ट करिए। हमारे जितने आशीर्वाद है हमारे सब, हमारे मुस्लिम भाई लोग भी, देखिए दलित समाज के लोग सब हमारे साथ लगे हुए हैं, हमारी माँ बहनें, हमारे भाई लोग, हमारा मुस्लिम समाज अगर ये सोच ले कि हम, हमारी बहन बेटी मैदान में है, उन लोग हमारा सपोर्ट कर दे तो ज़रूर मंजिल मिलेगी। बस आप लोग की दुआएं हो, सब लोग हमारा साथ दीजिए, सबके काम आएंगे, सबके साथ हमेशा दुख सुख में खड़े रहेंगे। आप हमारे ऊपर भरोसा करिए, हमारे हाथ को मजबूत करिए, आप सबका साथ देंगे हमेशा। चलिए।